गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जीआरसी इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आइए विद्युत रसायन के अंतर्गत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो 2020 में पूछा जा चुका है, सीसा संचायक सेल के आवेशन व अनावेशन के रासायनिक समीकरण को लिखे। तो आइए इस प्रश्न को हम चित्र व समीकरण के माध्यम से जानेंगे। तो सीसा संचायक सेल के आवेशन व अनावेशन के रासायनिक समीकरण को लिखे। सीसा संचायक सेल अर्थात लेड स्टोरेज बैटरी, ऐसी बैटरी जिसको हम आवेशित कर सकते हैं, सेल से धारा प्राप्त कर सकते हैं और डिस्चार्ज होने पर पुनः आवेशित कर सकते हैं। तो सीसा संचायक सेल के आवेशन व अनावेशन के रासायनिक समीकरण को लिखे। तो सर्वप्रथम हम अनावेशन चार्ज बैटरी से हम धारा प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सेल पर होने वाली अभिक्रिया क्या होगी इसको हम सर्वप्रथम जानेंगे। अनावेशन अर्थात विसर्जन क्रिया, अर्थात सेल से जब धारा प्राप्त कर रहे हैं या ले रहे हैं, तो हम सर्वप्रथम अनावेशन अभिक्रिया जानेंगे। प्रथम अनावेशन, अनावेशन क्रिया, अनावेशन क्रिया, अनावेशन क्रिया को हम चित्र के माध्यम से जानेंगे। तो यह हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी है, लेड स्टोरेज बैटरी जिसमें एनोड लेड का और कैथोड लेड ऑक्साइड का चूर्ण भरा हुआ है। H2SO4 के विलयन में दोनों इलेक्ट्रोड आपस में डूबे हुए हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों को जब चालक तार से जोड़ा जाता है, चालक तार से जोड़ा जाता है तो बाह्य परिपथ में धारा बहती है। अर्थात लेड स्टोरेज बैटरी या सीसा संचायक सेल ऐसा सेल होता है जो दो प्रकार से कार्य करता है, सेल से धारा प्राप्त कर सकते हैं अर्थात सेल से धारा ले सकते हैं और सेल में धारा दे सकते हैं। अर्थात विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल दोनों के प्रकार कार्य करता है। तो हम इन बातों को भी जानेंगे समीकरण के साथ साथ। तो जब सेल से धारा प्राप्त की जाती है अर्थात अनावेशन क्रिया, ऐसी स्थिति में अनावेशन क्रिया पर होने वाले रासायनिक समीकरण को हम जानेंगे। तो एनोड पर एनोड का जो इलेक्ट्रोड है, लेड का जो इलेक्ट्रोड है एनोड का कार्य करता है, इस पर होने वाली क्रिया को हम जानेंगे। एनोड पर, तो एनोड पर होने वाली क्रिया इसको हम फर्स्ट नाम दे दें। एनोड पर क्या है अभी हमने चित्र के माध्यम से जाना था, लेड है, हम साथ साथ में चित्र के माध्यम से जानते जा रहे हैं। एनोड पर, एनोड पर होने वाली क्रिया, एनोड पर क्या है, लेड पीबी जो सॉलिड अवस्था में है, लेड जो सॉलिड अवस्था में है। अब ये यहाँ पर चूंकि ये जो बैटरी है इसमें H2SO4 का विलयन भरा हुआ है, सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन भरा हुआ है, तो जब सेल से धारा प्राप्त करेंगे तो H2SO4 का अपघटन हो जाएगा, टूट जाएगा, SO4 अलग हो जाएगा और H2+ आयन अलग हो जाएंगे। तो लेड जो सॉलिड अवस्था में है, SO4 एक्वावेलेंट अर्थात जो द्रव्य विलयन में है के साथ क्रिया करेगा, ये H2SO4 का अपघटन हो जाएगा तो SO4 के साथ में क्रिया करेगा और यह बनाएगा PbSO4 अर्थात एनोड पर PbSO4 सॉलिड होगा, सॉलिड बनेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यहाँ पर ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया होगी, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑक्सीकरण। जिस भी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है वह एनोड होता है, इसे हम और आगे जानेंगे। ऑक्सीकरण की क्रिया होगी तो यहाँ पर माइनस एनोड जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया और यहाँ पर प्लस एनोड जब सेल में धारा देंगे तो यहाँ पर भी ऑक्सीकरण होगी, परंतु जब सेल में धारा देंगे तो प्लस एनोड यहाँ ऑक्सीकरण होगी और यहाँ पर माइनस एनोड यहाँ पर सेल में धारा ले रहे, सेल से धारा ले रहे और यहाँ पर सेल में धारा दे रहे, अर्थात यहाँ पर भी ऑक्सीकरण की क्रिया होगी और यहाँ पर भी ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। तो जानने के आधार पर, हम समझने के आधार पर कह सकते हैं जहां पर भी ऑक्सीकरण की क्रिया होगी वहां पर एनोड होगा। तो एनोड, एनोड पर अभिक्रिया इस प्रकार से, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से होकर कैथोड में जाएंगे। तो अब हम जानेंगे कैथोड पर होने वाली क्रिया,
कैथोड पर, कैथोड पर जो होने वाली अभिक्रिया है इस प्रकार से होगी। दो इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से आए, इधर से आएंगे, बाह्य परिपथ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहां पर क्या है पीबी ओ टू, तो हम यहां पर लिखेंगे पीबी ओ टू जो सोलिड अवस्था में है, प्लस 4H प्लस आयन प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो बाह्य परिपथ से आए के साथ क्रिया करके यहां पर बनेगा PbSO4, PbSO4 सॉलिड बनेगा प्लस 2H2O। अपचयन की क्रिया होगी, अपचयन की क्रिया होगी, अर्थात एनोड और कैथोड पर क्या बनेगा हम समीकरण के माध्यम से जान सकते हैं, PbSO4 एंड PbSO4, एनोड और कैथोड पर बनेगा PbSO4 और जल बनते जाएगा, अर्थात H2SO4 का जो विलयन है, H2SO4 का जो विलयन है तनु होते जाएगा, डाइल्यूट होते जाएगा। अब संपूर्ण सेल अभिक्रिया अनावेशन पर हम जान सकते हैं, कुल सेल अभिक्रिया, कुल सेल अभिक्रिया हम डायरेक्ट ये बिंदु लिख सकते थे, परंतु समझने के आधार पर हमने एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाओं को लिखने के पश्चात इस समीकरण को लिख रहे हैं। अदरवाइज हम डायरेक्ट अनावेशन पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को लिख सकते हैं, तो कुल अर्थात संपूर्ण जो सेल अभिक्रिया होगी इसको हम लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या है पीबी सॉलिड है प्लस पीबी ओ टू सॉलिड अवस्था में है प्लस SO4 दो है और हम इसको लिख सकते हैं एक साथ H2SO4। इलेक्ट्रॉन को लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से हमारे पास PbSO4 दो है तो यहाँ पर लिखेंगे 2PbSO4 प्लस 2H2O। तो कुल सेल अभिक्रिया अर्थात अनावेशन पर होने वाली कुल सेल अभिक्रिया इस प्रकार से होगी। हम डायरेक्ट इस समीकरण को पहले नंबर पर लिख सकते हैं या पहला नंबर डालकर इस समीकरण को पहले नंबर पर लिख सकते हैं। एनोड और कैथोड पर नहीं भी लिखे और डायरेक्ट इस टाइप से प्रश्न आए तो इस समीकरण को लिख सकते हैं, परंतु हमने समझने के आधार पर इसे एनोड और कैथोड पर होने वाली क्रियाओं को लिखने के पश्चात संपूर्ण सेल अभिक्रिया को लिखा। अब हम आवेशन होने पर अभिक्रिया को लिखेंगे, अर्थात जब H2SO4 का घनत्व कम हो जाता है तो सेल ऊर्जा देना बंद कर देता है, अर्थात सेल को आवेशित करना पड़ता है, आवेशित करने पर पुनः ऊर्जा देता है। तो अब हम लिखेंगे आवेशन पर दूसरी रासायनिक अभिक्रिया, हम जाने आवेशन क्रिया, आवेशन क्रिया जब आवेश अर्थात सेल को चार्ज किया जाता है, तब जब सेल को चार्ज किया जाता है तो अभी हमने विसर्जन क्रिया को जाना, चार्ज किया जाता है तो हम पुनः जान ले यहां पर प्लस कैथोड था, यहां पर प्लस एनोड है, क्योंकि जब चार्ज किया जाता है तो बाह्य परिपथ से धारा प्रवाहित की जाती है, तो बाह्य परिपथ से धारा प्रवाहित की जाती है तो प्लस पर ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया होगी, तो ऑक्सीडेशन की क्रिया होने के कारण यहां पर प्लस एनोड होगा और माइनस कैथोड होगा, क्योंकि यहां पर रिडक्शन की क्रिया होगी, अर्थात H2SO4 का घनत्व जब कम हो जाता है तो सेल को चार्ज करना पड़ता है, सेल को चार्ज करना होता है तो होने वाली अभिक्रिया किस प्रकार से होगी आइए जानते हैं। तो अभी हमने जाना एनोड और कैथोड दोनों पर PbSO4 बनता है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया को लिखेंगे, कैथोड पर अपचयन की क्रिया होगी कैथोड पर, तो दोनों इलेक्ट्रोड पर PbSO4 बनता है, चूंकि हम जान चुके हैं PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन अर्थात बाह्य माध्यम से धारा प्रवाहित करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और ये पुनः Pb जो सॉलिड अवस्था में है बना लेगा प्लस SO4
टू माइनस आयन एक्वावेलेंट अर्थात द्रव्य विलयन में प्रवाहित कर देगा। एसओ फोर टू माइनस आयन अर्थात एक्वावेलेंट में प्रवाहित कर देगा, जो एस टू के साथ में क्रिया करके एस टू एसओ फोर बना लेगा। अब एनोड पर होने वाली अभिक्रिया को हम लिखें, एनोड पर, तो एनोड पर भी पीबीएसओ फोर है, चूंकि हम जान चुके हैं कैथोड और एनोड पर पीबीएसओ फोर सोलिड अवस्था में जमते जाता है, तो यहां पर लिखेंगे हम ये भी सोलिड अवस्था में है और पीबीएसओ फोर ये भी सोलिड अवस्था में है। अब एनोड पर क्या होगा, जल के साथ क्रिया करेगा, चूंकि हमने यहां पर जाना ये जल बनते जाता है एस टू एस टू ओ के साथ में क्रिया करेगा और यह बनेगा पी बी ओ टू सॉलिड प्लस फोर एच प्लस आयन इक्वावेलेंट द्रव्य विलयन में आ जाएंगे प्लस एसओ फोर टू माइनस आयन प्लस टू इलेक्ट्रॉन। एनोड पर टू इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एसओ फोर टू माइनस आयन जो इक्वावेलेंट अर्थात द्रव्य विलयन में आ जाएंगे और 4H प्लस आयन। अब संपूर्ण सेल अभिक्रिया को हम लिख सकते हैं, यहां पर लिख दें कुल सेल अभिक्रिया। कुल सेल अभिक्रिया इस प्रकार से PbSO4 दो है, तो हम यहां पर लिखेंगे 2 PbSO4 प्लस 2H2O। इलेक्ट्रॉन को लिखने की आवश्यकता नहीं है, Pb एंड PbO2 ये सॉलिड अवस्था में है, PbO2 सॉलिड अवस्था में प्लस यहां पर क्या देख रहे हैं SO4 दो है और 4H प्लस आयन है, तो इसको लिख सकते हैं H2SO4 जो कि दो रहेंगे H2SO4। इस प्रकार से 2H2SO4 बनेगा और हम संपूर्ण सेल अभिक्रिया को इस प्रकार से लिख सकते हैं 2PbSO4 प्लस 2H2O एरो Pb सॉलिड PbO2 सॉलिड एंड 2H2SO4, अर्थात H2SO4 का घनत्व पुनः बढ़ जाएगा। जब H2SO4 का घनत्व बढ़ जाएगा तो सेल ऊर्जा देना प्रारंभ कर देगा, अर्थात लेड स्टोरेज बैटरी को हम चार्जिंग भी कर सकते हैं, अर्थात सेल में धारा प्रवाहित भी कर सकते हैं और सेल से धारा प्राप्त भी कर सकते हैं। तो हमारा जो प्रश्न था, सीसा संचायक सेल के आवेशन व अनावेशन के रासायनिक समीकरण को लिखें, तो हम इन दो रासायनिक समीकरण को डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहां पर 2H2SO4 बनेंगे, 2H2SO4, तो इस प्रकार से हमने सीसा संचायक सेल के आवेशन व अनावेशन के रासायनिक समीकरण को विस्तृत रूप से जाना। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।